हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ख्वाह साहब आए हुए हैं तो मैंने कहा चलें जी आप दोस्तों से भी बातचीत करते हैं, किसी दोस्त ने कुछ सवाल जो आप पूछने हैं तो ख्वाह साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि कबूतरबाजी का सीज़न आ गया। हर इंसान की कोशिश है कि यार मेरे परिंदे तंदुरुस्त रहें, ठीक रहें। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर चौधरी भाई, तस्लीम हसनैन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत है। ये मैं रुख करता हूँ जनाब कैमरे का ख्वाह साहब की तरफ। ये ख्वाह साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? बेटा आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, और उसमें मैं हर आदमी मेरे से वो कर रहा है कि अच्छे कबूतर की पहचान। बेटा मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, सबसे पहले अच्छे कबूतर की पहचान ऐसी है कि अल्लाह ने वो करनी है आसमान है, और कबूतर की पहचान तो आप कर लेंगे, सबसे पहले आप आदमी की पहचान करें कि अच्छे आदमी का आपने शागिर्द होना है जो आपको अच्छा सिखा सके। जी वालेकुम सलाम खुर्रम शहजाद भाई, क्या हाल है? और कबूतर बेटा अच्छा वो है जो कबूतर जब उड़ता है ना वो अपने मालक को आप बता देता है कि भाई मैं अच्छा हूँ, और कबूतर जिस वक्त फिरता हो वो अपना आप बताए पर ऐसे ऐसे करें, और दुम उसकी बांधो पर उसके दुम जितने लंबे हों। और अब आजकल तो अभी कबूतरों के पर जो तो चेतर वाले हैं और उनके तो कबूतरों के पर भी तकरीबन आगे हुए हैं, वसाख वालों के कबूतरों के पर छोटे हैं और जेठ वालों ने भी अब कबूतरों के पर खींच दिए हैं बेटा। और उन्होंने ये है मेरे हिसाब से आजकल कबूतर की दुम नहीं खींचनी चाहिए, दुम वो खींचनी चाहिए वो जो बिल्कुल ही पुरानी हो पर की, और बाकी उनके वो आप पर खींच लें बेटा, और ज़रा एहतियात करें क्योंकि आजकल अच्छा कबूतरबाज वो है जो सबसे पहले अपने कबूतरों की बीमारी बचाए, और सबसे अच्छी चीज़ ये है बेटा कि आप उनों को इंजेक्शन ज़रूर लगा लें 3 महीने के बाद, रानी खेत का पाकिस्तान मेडिको से या जो इमरान के पास इधर ये जो है वेटनरी का ये वाला इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, और एक इंजेक्शन आप 30 कबूतरों में लगाएं, एक इंजेक्शन ले के उसमें 30 cc पानी डालें और 1 cc आप एक एक कबूतर को लगाते हैं बेटा। 100 वाला जो होगा वो लगा लें 30 को, 100 वाला जो होगा वो आप 30 को लगाएं और 200 वाला जो है वो आप 60 को लगाएं, क्योंकि कबूतर की जो पावर है और रेजिस्टेंस जो है ना वो मुर्गी से ज्यादा है, क्योंकि कबूतर का और एक और चीज बेटा, अभी पिछले दिनों में मैं अमेरिका में एक कबूतरबाज थे मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ मेरा वो हो रहा था, बड़े अच्छे पढ़े लिखे कबूतरबाज थे, उनके साथ मेरी बहस हो रही थी। उन्होंने के पास उधर पाकिस्तानी कबूतर भी हैं और वो रहने वाले हैं, नेशनलिटी उन्हों की अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ले ली हुई है, वैसे वो हैं टर्की के। उन्होंने मुझको एक चीज़ बताई है पढ़े लिखों की, वो ये है कि कबूतर जिस वक्त हम उड़ाते हैं सुबह गर्मियों में बड़ी जल्दी आसमान में जाते हैं, उसकी वजह ये है कि नीचे कबूतर का मौसम गर्म होता है, जैसे कबूतर ऊपर जाता जाता है ना मौसम ठंडा होता जाता है, और साइंस कह रही है और अमेरिका में टेक्नोलॉजी ने बताया है कि हर 500 फुट के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, हर 500 फुट के बाद। तो जो हमारा कबूतर है वो जब जल्दी ऊपर जाता है वो सिर्फ इसलिए जाता है कि ऊपर जाके उसको सुकून मिलता है, और ऊपर जाके उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और यही पोजीशन है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी बेटा, कि जिस वक्त हम लाहौर से कराची जाते हैं भी उड़ सकता है, तो जहाज ऊपर इसलिए लेके जाते हैं कि उसका जोर कम लगे, उसमें
फ्यूल कम आए और उसको फायदा हो बेटा, इस ये टॉपिक है और ये बिल्कुल ठीक चीज़। ठीक हो गया। अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहता किसी ब्रीड के मुतालिक या किसी बीमारी के मुतालिक तो जनाब वो ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तो नहीं, कोई 5-7 मिनट आपको देंगे, क्योंकि मेरे भी कबूतर इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने दाना डालना है अभी। तो आजकल हर बंदे ने पुटाई की हुई है, कोशिश करें कि अपना दाना पानी अच्छा डालें और एक टाइम पे डालें। मेरे कबूतरों को पुराना सकरा है, पुराना सोकड़ा, अच्छा तस्लीम भाई पुराना सोकड़ा है, उसके लिए बेहतरीन एक मैं आपको टैबलेट बताता हूँ, इंशाल्लाह करें वो कबूतर ठीक हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने ना मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन मिला के एक आटे वाली गोली बनाई होती है, ठीक है, वो एक गोली आप लें, अगर किसी दोस्त ने बनाई हुई है वहाँ से, यानी कि 5-6 गोलियाँ ले लें, ज़्यादा नहीं, एक गोली वो वाली लेनी है, 2 B-कॉम्प्लेक्स और 1 मछली तेल की कैप्सूल, ठीक है, ये 4 आपने रात को डेली देनी है। अगर तो ग्राई वाटर के साथ दे सकते हैं तो 5 cc ग्राई वाटर और 5 cc सादा पानी, नहीं तो 10 cc सादे पानी के साथ दें, 4 से 5 दिन दें, इंशाल्लाह ताला पुराना सोकड़ा जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्तों कबूतरों का ना, अगर आपके पास जोड़े हैं या उड़ने वाले कबूतर हैं तो उनका जो अपना ना दाने का टाइम टेबल वो डेली एक ही रखें, ठीक है, और ज़्यादा दाना ना डालें, हिसाब का दाना डालें, ये ना हो कि आप अगर आपने आज दाना डाला तो वो कल तक आगे पड़ा रहे, उस वजह से भी कबूतर बीमार हो जाते हैं। तो टाइम अगर 4 बजे डेली डालें, ठीक है, तो वही टाइम रखें, जोड़ों को 2 टाइम डाल लें, उड़ने वालों को 1 टाइम डालें, जिन्होंने परपुटाई की हुई है वो कोशिश करें कि सुबह के टाइम अगर असली घी मिलता है तो वो उसके भोरे आप डेली सुबह डालें, जब आप छत पे आते हैं उसके बाद आप शाम को दाना डालें, इंशाल्लाह आपके परिंदे ठीक रहेंगे। ज़्यादा लालच मत करें, अगर आपके खुडे के अंदर 50 कबूतरों की कैपेसिटी है तो 50 रखें, ये नहीं कि वहाँ पे 70 या 100 रख दें, ठीक है, वो लालच करेंगे, उस वजह से भी जी। वालेकुम सलाम जी मलिक आदिल, वालेकुम सलाम खुर्रम शहजाद भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। तो बंदा हमेशा लालच वाला ही मरता है, ठीक है, तो जो बंदा लालच करेगा उसके कबूतर बीमार होंगे, मरेंगे, या केयरलेस, ठीक है, ये केयर करें, अल्लाह का शुक्र है आप देख रहे हैं कबूतर ऊपर हैं, शुक्र है अल्लाह का, सालों साल हो जाते हैं, कभी लालच नहीं की, बस थोड़े से परिंदे रखें, अपना शौक भी हो जाता है, तो ये नहीं कि कभी ज़्यादा इकट्ठे करने की चाहत हो, क्योंकि वो करेंगे, ब्रीडें तो बहुत ज़्यादा हैं, आप हर ब्रीड हर बंदे को अच्छी लगती है, बंदा कहता है यार मैं, कई लोगों की शौक होता है कि यार मैं हर ब्रीड इकट्ठी करूँ, ठीक है, वो फिर उनके पास जगह की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उस वजह से भी वायरस पड़ जाता है। तो बाकी अल्लाह पाक सबका शौक सलामत रखे, सीज़न आने वाला है, सब दोस्तों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ द लक, अल्लाह पाक सबको जिसने जितनी मेहनत की है उसका अजर दे, कामयाब करें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।